नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। इशपाल कंचन मेरा नाम है। अभी अभी मैं हूँ यहाँ पुरानी चुंगी पर और देख सकते हैं हरियाणा ग्रामीण बैंक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सीधे सीधे आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, यहाँ पर सभी इकट्ठे एकजुट होकर ही खड़े हैं सभी। आप देख सकते हैं आप, यही वो बैंक है जिसकी हम तारीफ करते थे कि इसके बाहर बिल्कुल सभी पालन करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। आप देख सकते हैं अब सभी झुंड में ही बैठे हैं। देखिए अब यहाँ पर शहर के कुछ बुद्धिजीवी हैं जो समझाते हुए। दीवान जी, क्या आप खुद समझाने आए इनको? मेरे को, मैं अभी क्रॉस करके गया था जी, मेरे को बहुत देख के बहुत बुरा लगा। ये हमारी माता ही बहने हैं जी, इनके हित के लिए बात करने के लिए मैं बड़े भाई विनोद शर्मा को साथ लेके आया जी। मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉकडाउन का कैसे उल्लंघन हो रहा है। आम आदमी अगर कोई सड़क पे किसी मजबूरी कारणवश निकल जाता है, उसको तो पुलिस लठ मारती है जी। और ये यहाँ पे आके कम से कम इन माताओं बहनों को बेचारी को उनको समझ नहीं है, कम से कम समझा तो दे जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के। माता जी, क्या किस लिए बैठे हो आप? पिल्सन केस तो अभी नंबर लगा नहीं आपका ना जी। आप किस लिए आए हैं? आप भी पिल्सन लेना है? पिल्सन लेना है जी। नंबर है मेरा जी, आया को ना भी आया नहीं। तो माता जी, आप सबको पता नहीं है क्या दूर दूर बैठना चाहिए? आप इतना करीब बैठे हैं, आपको दिक्कत हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। पिल्सन लेने तो आए हैं, आपको नहीं पता है कि इकट्ठे बैठने से बीमारी हो सकती है, आपको कोरोना हो सकता है, तो आप क्यों ना दूरी करते हैं? जबकि आपको मेडिकल स्टोर वालों ने भी कहा है और आते जाते भी आपको कह रहे हैं कि दूर रहिए, इकट्ठे होकर ना बैठे। जी जी जी, चार फुट का देख सकते हैं आप। और कहते हैं कि हम थोड़ा गैप तो बनाकर बैठे हैं, पेंशन लेने आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ जी, क्या क्या करने आए हैं बैंक में आप? पैसे लेने आए हैं। पैसे निकालने आए? तो नंबर नहीं आया अभी आपका? नंबर तरक्की गाड़ी खड़े हैं जी जी, देख सकते हैं, कहते हैं कि नंबर नहीं आया। हाँ जी बाबा जी, क्या लेने आए हैं बैंक? पेंशन लेने आया। पेंशन लेने आए हैं? तो आपको नहीं पता कोरोना महामारी चली है, लोग दूरी बना के रखनी है, आप लोग इकट्ठे बैठे हैं सभी, बीमारी फैल सकती है बाबा जी, दूरी बना के बैठना चाहिए ना आपको। आप मास्क लगाए हुए हैं, दूरी नहीं बनाई आपने भाई, दूरी बना के बैठे हैं। कोई बीमारी है तो लागे की तो भगवान ने लगवानी है ना जी, तो तारे भीतर चरती के नीचे बढ़ जाओ जी, ये भी फाना है। मतलब भगवान ने चाहेंगे तो बीमारी आएगी, भगवान नहीं चाहेंगे, भगवान चाहेंगे तो बीमारी आंदी है नहीं जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए कहते हैं भगवान चाहेंगे तो भी बीमारी आएगी, वैसे इनको कोई डर नहीं है। देख सकते हैं आप, काफी भीड़ है यहाँ पर, खूब गहमा गहमी। और देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों में। अब मैं बैंक में भी दिखाना चाहूंगा अंदर का, कैसा मंजर है, कैसे हालात है। हाँ जी, आखिर क्या हो रहा है? मैनेजर साहब, देख सकते हैं मैनेजर साहब, बाहर बहुत भीड़ है, क्या वजह है इसकी? सर, भीड़ तो अभी पेंशन आई हुई है, दूसरा वो जो प्रधानमंत्री कल्याण योजना, उसके पैसे आए हुए हैं, तो सभी पेंशन पेंशन धारकों की भीड़ है ज्यादा। पेंशन धारकों जो पीएम केजीवाई के पैसे जी जी, तो क्या उनको नंबर लगाया गया? जी सर, टोकन सभी को दे दिया गया जी। कुछ एक का आरोप है कि वो सुबह से खड़े हैं, उनका नंबर नहीं आया, दूसरे चले गए आगे। सर ऐसा कुछ नहीं है जी, सबको टोकन दिए गए हैं, टोकन सब आ रहे हैं, तो नंबर से ही आप दे रहे हैं सबको? ठीक आ रहे हैं सर जी, जिनकी एफडी है वो अलग था जी जी, इसी वजह से शायद उनको लगता है कि डायरेक्टली जो लॉन्च किए हैं एफडी आप नियम के हिसाब से ही सबको खुला। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैनेजर साहब हैं यहाँ पर, कहते हैं कि हम तो अपने नियम का पालन कर रहे हैं, जो टोकन दिया गया टोकन के अकॉर्डिंग ही सभी को एक एक करके अंदर बुलाया जा रहा है, सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, जो सुरक्षा गार्ड है वो सभी को एक एक करके ही अंदर आने देते हैं। अब लोग हैं वो जल्दबाजी चाहते हैं, उनका नंबर जल्दी से पड़े, इसलिए उनको लगता है कि वो बहुत देर हो गई है। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, जागरूक करना ही हमारा काम है और उसी काम में हम लगे हुए हैं, बताते रहेंगे आपको कहाँ पर नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और कहाँ पर नियमों का पालन हो रहा है।